हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। पिछले वीडियो में हम लोग गॉस की प्रमेय को सिद्ध किए गए थे कि कैसे किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाला वेक्टर प्लस साई ही बराबर होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, एप्लीकेशन ऑफ गॉसियन थ्योरम या गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग। इस ये जो अनुप्रयोग है, इसमें चार पांच पॉइंट को एक साथ पढ़ा जाएगा, चार पांच नियम को, हेडिंग को, और उसमें से कोई एक एग्जाम में पूछा ही जाता है अक्सर, या तो समतल प्लेट के लिए पूछता है या फिर गोला के लिए पूछता है, और उसमें भी दो, चालक और अचालक, कोई भी एक पूछ सकता है। पांच नंबर में ये क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि गॉस के प्रमेय की जो अनुप्रयोग है, जो एप्लीकेशन है, जिसके आधार पर हम किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकाल सकते हैं किसी आवेश के कारण, उसके लिए चरण क्या है, उसके लिए स्टेप बाय स्टेप कैसे प्रोसेस करेंगे हम लोग, उसके लिए कुछ चरण है। स्टेप बाय स्टेप को अगर हम लोग देख लें तो अनुप्रयोग करने के नियम, अभी हम लोग पढ़ेंगे गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग, ये तो हेडिंग है, और उसमें अभी हम पढ़ेंगे कि इसको हम लोग कैसे लगाएंगे, यानी गॉस थ्योरम को हम लोग कैसे लगाएंगे और कैसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो नियम उसके लिए है, गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग के नियम, और नियम में पहला है कि सबसे पहले करते क्या है, जैसे अगर हमसे पूछे कि ये पॉइंट प्लस क्यू है और इसके कारण हमको इस बिंदु पी पर जो इससे आर दूरी पर है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, क्वेश्चन में यही कहेगा, क्वेश्चन इस टाइप से पूछेगा कि बिंदु एक आवेश प्लस क्यू के कारण आर दूरी पर स्थित बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, वो भी किसकी सहायता से, गॉस के प्रमेय की सहायता से, बिंदु आवेश के कारण कुछ दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कहेगा कि एक समतल प्लेट है, ऐसे प्लस चार्ज है, कहेगा एक समतल प्लेट से गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग करके एक समतल प्लेट से आर दूरी पर स्थित बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही करना है, पहले में अब बिंदु आवेश देगा, दूसरे में क्षेत्रफल दे देगा, पृष्ठ दे देगा, और तीसरे में क्या करेगा, एक गोला दे देगा, और गोला भी दो प्रकार का, पहले में देगा एक चालक गोला, और चालक गोला देगा तो वहां हम सिखाएंगे आपको कि समस्त आवेश पृष्ठ पे हो जाता है। तो कहेगा गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग करके, गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग करके कैपिटल आर त्रिज्या के गोले, कैपिटल आर त्रिज्या के गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, और वो भी तीन जगह पूछता है, पहला बाहर, बाहर कहीं, दूसरा पृष्ठ पर, और तीसरा पृष्ठ के अंदर। और तो चौथे जो टाइप का क्वेश्चन आएगा उसमें कहेगा कि एक अचालक गोला है, और अगर अचालक गोला है तो समस्त आवेश हर जगह होंगे, ऐसे ऐसे हर जगह फैले होंगे, तब कहेगा कि गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग करके कैपिटल आर त्रिज्या के एक अचालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, बाहर, पृष्ठ पर और भीतर, गोले के भीतर। ये चार टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, कहेगा गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग करके, तो उसके लिए कुछ स्टेप बाय स्टेप हमको चलना है, चरण है, तो वो स्टेप बाय स्टेप कैसे है उसको हम लिख देते हैं पहले, कि अगर कोई भी कहेगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए, गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग करने के लिए, तो सबसे पहले जहां पे कहेगा, जैसे कहा ना कि यहाँ पे एक बिंदु पी है, यहाँ बिंदु पी है, यहाँ बिंदु पी है, जहां भी कहेगा वहां पे एक काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ मानेंगे, और वो आपको बताया गया है या तो गोला होता है या तो बेलन होता है, जिस हिसाब से आएगा उस हिसाब से मानेंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, एक काल्पनिक गॉसियन, एक काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ, और वो पृष्ठ गोला भी हो सकता है या फिर बेलन भी हो सकता है, गोला या बेलन जो भी समझ में आएगा, वहां पे एक काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। सबसे पहला स्टेप हम लोग यही करेंगे, सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, एक काल्पनिक, इमेजिन करेंगे इसके इस बिंदु से एक काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ है, और वो बंद रहेगा, चारों तरफ से पैक रहेगा, ठीक है। दूसरा दूसरा स्टेप हम लोग क्या करेंगे कि उस पृष्ठ पर एक छोटा सा क्षेत्र लेंगे, जैसे अगर हमको ये प्लेट है तो इसके कारण बताया थे कि हम लोग एक बेलन खींचेंगे ऐसे ऐसे, और इधर भी ऐसे, एक आपको बताया गया था पिछले वीडियो में कि एक बेलन खींचेंगे, ठीक है, प्लेट के कारण, तो हमने एक बेलन खींच दिया, और अगर बेलन खींच दिया तो इस बेलन पे एक पृष्ठ लेंगे,
और इस पृष्ठ के से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स लेंगे। तो यहाँ पे देखिए तीन पृष्ठ है, एक इधर वाला अगर कोई बेलन बनता है तो एक ऊपर पृष्ठ होता है, एक नीचे पृष्ठ होता है और एक चारों तरफ ये पृष्ठ होता है, तीन पृष्ठ है। तो यहाँ पे तीन तीन हम लोग छोटे छोटे क्षेत्र लेंगे, एक इससे हम लोग क्षेत्र लेंगे छोटा सा एरिया, और एक इससे छोटा सा एरिया लेंगे, और एक इधर इससे छोटा सा एरिया लेंगे ऐसे, ठीक है। तो दूसरा स्टेप क्या करेंगे कि गॉसियन पृष्ठ पे एक सूक्ष्म क्षेत्रफल लेते हैं और उस क्षेत्रफल से गुजरने वाला सूक्ष्म वैद्युत फ्लक्स निकालते हैं, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या करेंगे कि गॉसियन, हाँ यहाँ छोटी का मात्रा होगा, गॉसियन पृष्ठ पर सूक्ष्म क्षेत्रफल, गॉसियन पृष्ठ पर सूक्ष्म क्षेत्रफल लेते हैं, जितना पृष्ठ होगा उतना क्षेत्र लेंगे, यहाँ तीन पृष्ठ है तीन लेंगे, अगर गोला रहेगा तो गोला में एक पृष्ठ होता है तो एक लेंगे। तो गॉसियन पृष्ठ पर सूक्ष्म क्षेत्रफल लेते हैं तथा उससे गुजरने वाला, मतलब उस छोटे क्षेत्र से गुजरने वाला, उससे गुजरने वाला सूक्ष्म वैद्युत फ्लक्स निकालते हैं, सूक्ष्म वैद्युत फ्लक्स निकालते हैं, ठीक है। यानी हम करेंगे क्या, हम निकालेंगे डी फाई ई निकालेंगे हम लोग, ठीक है। और डी फाई ई बराबर होगा ई डी ए और कॉस थीटा, जहां पे थीटा की वैल्यू जैसी होगी वैसा रख देंगे, ठीक है। तो सबसे अगला स्टेप में क्या करेंगे, डी फाई ई निकालेंगे, ई डी ए कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू रखेंगे, ठीक, और डी फाई ई की वैल्यू निकाल देंगे। जैसे इससे पहले वाले वीडियो हम लोग गॉस के प्रमेय जैसे सिद्ध किए थे कि हमने एक छोटा सा लिया था ई डी ए कॉस, जीरो अंक हो गया था, तो फिर डी फाई बराबर ई डी हो गया था, फिर हमने क्या किया था, समाकलन किया था और फाई ई निकाला था। तो अगला स्टेप, तीसरा स्टेप क्या करेंगे, तीसरा स्टेप ये है कि अब पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स या नेट वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे, और इसके लिए डी फाई ई का क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। लिखेंगे अब पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालते हैं या गणना करते हैं, वैद्युत फ्लक्स की गणना करते हैं, गणना करते हैं। अब पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स की गणना करते हैं, इसके लिए, इसके लिए डी फाई ई का समाकलन करते हैं, डी फाई ई का क्या करेंगे हम लोग, समाकलन करेंगे तथा लिख देंगे इसी में, अंत में जो मान आएगा उसे समीकरण एक मानेंगे, जो मान आएगा उसे समीकरण एक मानेंगे, ठीक है। यानी अभी से पहले वाले हम लोग गॉस के प्रमेय में जब इसको किए थे तो इसका समाकलन किए थे, तो फाइव ई बराबर आया था ई डी ए का समाकलन किए थे तो ई इंटू फोर पाई आर स्क्वायर आया था, ठीक है। तो जब ऐसी कुछ वैल्यू आ जाएगी ई इंटू फोर पाई आर स्क्वायर तो इसको समीकरण एक मानेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग गॉस के प्रमेय सिद्ध करना था, इसीलिए हम लोग ई की जगह मान रख दिए थे वन अपन फोर पाई एस नॉट क्यू अपन आर स्क्वायर, लेकिन अब हम लोग गॉस के प्रमेय सिद्ध नहीं करनी है। अब हम लोग को जो भी क्वेश्चन देगा उसमें ई को फाइंड आउट करना रहेगा, ई को निकालना रहेगा कि ई है कितना, इसलिए ई की वैल्यू रखेंगे नहीं, ई को वैसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। इसीलिए हमने ई लिखा है, क्योंकि इससे इसके आगे भी हम लोग पढ़े थे वन अपन फोर पाई एस नॉट क्यू बटा में आर स्क्वायर भी लिखे थे और फोर पाई आर स्क्वायर फिर कट गया था, वहां नहीं जाएंगे हम लोग, क्योंकि हमको ई निकालना है। इसलिए जैसे ही आएगा ई गुड़े जब समाकलन करेंगे उसका डी ए का, तो जो भी वैल्यू आएगी जैसे ही वो हमको पता चलेगा हम तुरंत समीकरण नंबर एक मान लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, चौथा स्टेप, तीन स्टेप हो गया, चौथा स्टेप क्या करेंगे उसको देखिए। अब हम लोग गॉस का प्रमेय लगाएंगे, चौथे स्टेप में हम लोग गॉस की प्रमेय लगाएंगे, देखेंगे चौथे स्टेप में। अब गॉस की प्रमेय लगाएंगे या लिखेंगे, अब गॉस के प्रमेय का सूत्र लिखेंगे, का सूत्र लिखेंगे,
तथा उसे समीकरण नंबर दो लिख देंगे, समीकरण दो कर देंगे, गॉस के प्रमेय लगाएंगे और उसे समीकरण दो कर देंगे। और गॉस के प्रमेय हर जगह एक ही चीज लगेगा कि फाई ई बराबर होता है क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट। हाँ, यहाँ पे अब चेंज होगा कि अगर Q की वैल्यू ना पता हो, कितना आवेश हो यह ना पता हो, तब हम लोग चैप्टर नंबर एक में हम लोग पढ़े थे रो सिग्मा, रो पढ़े थे, सिग्मा पढ़े थे और लैम्डा पढ़े थे, ऐसे पढ़े थे हम लोग रो सिग्मा और लैम्डा, तब हम इसका प्रयोग करेंगे जहाँ पे रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व थे। तो अगर हमको आवेश की मात्रा ना पता हो तो हम फाइ ई बराबर क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट जो है इसको चेंज करेंगे, क्यू को हम लोग चेंज करेंगे, और कैसे चेंज करेंगे वहां बताया जाएगा, और उसके बाद जो वैल्यू निकल के आएगी उसको समीकरण नंबर दो लिखेंगे, ठीक है, और लास्ट में समीकरण एक और समीकरण दो को बराबर कर देंगे। पांचवा स्टेप, समीकरण एक तथा समीकरण दो को, समीकरण एक तथा समीकरण दो को, समीकरण दो को बराबर करके, समीकरण एक तथा समीकरण दो को बराबर करके ई का मान निकालेंगे, ई का मान निकालेंगे, यही आंसर, यही उत्तर होगा, निकाल देंगे ई की वैल्यू और जो आएगा वही आंसर हो जाएगा, यही उत्तर होगा। बस इतना स्टेप करना है, पांच स्टेप। हाँ, एक छोटा सा पड़ जाएगा कि अगर आवेश की मात्रा ना दिया हो तो घनत्व के रूप में उसको चेंज कर देंगे। तो ये पांच स्टेप हैं गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग करने के नियम, गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग करने के नियम, कि गॉस के प्रमेय कैसे लगाते हैं। तो सबसे पहला क्या करेंगे, एक काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे, दो ही हो सकता है, या तो गोला होगा या तो बेलन होगा, जैसा हमको समझ आएगा खींचेंगे। फिर क्या करेंगे, उस गॉसियन पृष्ठ में एक छोटा सा क्षेत्र लेंगे, अगर तीन पृष्ठ बन रहे हैं तो तीन क्षेत्र लेंगे, चार पृष्ठ बनेंगे चार क्षेत्र लेंगे, तो बेलन में तीन बनेंगे, एक उस साइड, एक इस साइड और एक ऐसे गोल वाला पे, और गोला में तो बस एक ही बनेगा क्योंकि हर तरफ एक ही होगा। तो गॉसियन पृष्ठ लेंगे और उससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स डी फाई ई निकालेंगे। फिर हम क्या करेंगे, उस छोटे से के कारण नहीं बल्कि पूरे के कारण वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे और इसके लिए समाकलन कर देंगे, समाकलन करेंगे और जो रिजल्ट हमको निकल के आएगी उसको समीकरण एक मानेंगे, ई की वैल्यू नहीं रखेंगे, समीकरण एक मानेंगे। अब आगे क्या करेंगे, अब गॉस का प्रमेय का सूत्र लिखेंगे, फाई ई बराबर क्यू माइनस एप्सिलॉन नॉट, और अगर क्यू की वैल्यू दिया है तो ठीक, नहीं दिया है तो लैम्डा सिग्मा और रो में चेंज कर देंगे, लैम्डा सिग्मा और रो में चेंज करके हम लोग फाई ई को दूसरे रूप में बदल के समीकरण दो मान लेंगे, और जब समीकरण एक और दो को बराबर कर देंगे फिर ई को एक तरफ मान देंगे, बाकी सबको दूसरी तरफ भेज सके हम लोग ई की वैल्यू निकाल देंगे और यही हमारा लास्ट में आंसर हो जाएगा। इतना ही करना है, ठीक है। तो आज की वीडियो में भी इतना ही, कल हम लोग पढ़ेंगे गॉस के प्रमेय को कैसे अनुप्रयोग करते हैं, ठीक है, थैंक यू।